जानता हूँ मैं इधर पहले भी मेरा म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन बात है बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, इसलिए अभी भी 10-15 मिनट लगेगा ज़्यादा नहीं। तो भी बोलो यार, मज़ा आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बैकग्राउंड थोड़ा बर्न हो जा रहा है। भूख भी लगा है, कुछ खाना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या मिलता है। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन छाता इसीलिए मैं हमेशा कैरी करता हूँ क्यों, धूप में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसे ही मेरा टैन पड़ जाता है बॉडी में। 1 घंटा भी अगर धूप में रहेंगे ना तो मेरा नॉर्मली बॉडी में टैन पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं हमेशा छाता का सहारा लेता हूँ। तो अभी जाते जाते और 10-15 मिनट लगेगा, मैं जा रहा हूँ। छाता का सहारा तो लेना चाहिए हमेशा। लेकिन जो भी बोलो यार, मेरे को पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर अगर थोड़ा नज़दीक हो कोई जगह, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगे, ज़्यादा आधा घंटा भी लगे, तो मैं पैदल चल सकता हूँ। तो मैं अच्छा लगता है, मेरे को पैदल चलना अच्छा लगता है। ये वाला पूछना पड़ेगा, गंगर दिखे जाओ कौन दिखे। लेकिन इधर इतना गली है ना, तो मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमेशा पूछ लेना ही अच्छा है, लेकिन बेकार घूमते रहेंगे इधर उधर। देख रहे हैं भाई कितना धूप है, लेकिन हमेशा हमें छाता है अपने पास, कोई चिंता नहीं। काकू बोल गंगार दिखे जाब कौन रास्ता इटा। अच्छा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा गली गली है ना, तो समझना बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं रास्ता इधर उधर जाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जितना भी सब घर है ना, ज़्यादातर बहुत पुराना घर है, तो मतलब बहुत पुराना घर है, तो इसीलिए अच्छा लगेगा। देखो जितना भी घर है बहुत 50-60 साल के पुराने से भी ज़्यादा है, तो इधर का जितना सारा घर है सब कोई सा ही मिलेगा देखने में, तो ये भी अच्छा लगता है इस गली में। आप देख ही सकते हो जो जितना सारा घर है बहुत पुराना है, इधर का बड़ा बड़ा जमींदार, थोड़ा छोटा छोटा राजा लोग, मतलब इस तरह का घर ऐसा ही मिलेगा, और इसका कलरिंग भी बहुत अच्छा है। ये देख रहा है सब घर मंदिर जैसा लगता है देखने में, डिजाइन पहले का पता ही चलेगा आपको देख के। तो भूख तो है बहुत, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, चलते हैं। अभी एक बात है, जो इतना सारा लोग वीडियो बनाता है तो बहुत सारा लोग को ऐसे ही पता चल जाता है जो लड़का ब्लॉग बना रहा है। मेन रोड से थोड़ा और साइड में जाना पड़ेगा, मेन रोड है। अच्छा है, चलो दादा बोला लेफ्ट में जाना पड़ेगा, राइट हो गया तो फिर राइट हो गया, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ। ये है मैंगो भाई, बोल जी गंगर दिखे जाओ बैठे रास्ता तो एकदम सीधा, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है, लगभग आ ही गया, 2 मिनट। मैं आया था बहुत दिन पहले, लेकिन एक्चुअली मैं भूल गया। वाह इसका देखो कलरफुल है बहुत, ये देखो बहुत कलरफुल लग रहा है। ये देखो सामने वाला एक फूल दिखाई दे रहा है, कितना मस्त है, बहुत कलरफुल, वाह मज़ा आ गया। वाह लवली यार, तभी देखो गेर का कितना मस्त लग रहा है। इतना कलरफुल लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ लवली यार, एक साथ इतना सारा फूल, मज़ा आ गया, क्या बात है। आप देख सकते हो इससे ही स्काई,
बैकग्राउंड है, मज़ा आ गया। जो भी बोलो यार, मज़ा आ गया। ओह शिट, बहुत बहुत कलरफुल, बहुत कलरफुल। चलो फाइनली मैंने आ गया नदी के पास। आज जाने में 2-3 मिनट लगे, माफ़ करना यार, लेकिन ये थोड़ा इतना धूप के चक्कर में बैकग्राउंड तो पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं सिर्फ छाता लेके जा रहा हूँ। चलो देखते हैं टाइम कितना लगता है, फिर मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा उतना पता नहीं चलेगा कि उतना धूप है आसपास में, उतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा हम इधर रुकेंगे, 2-3 घंटे रुकेंगे शाम के टाइम तक, तो फिर आपको सब व्यू दिखाएंगे। नदी के उस पार में एक बड़ा मंदिर भी है, तो शायद आज होगा टाइम तो वो भी हम जाएंगे। चलो मैं दिखाता हूँ, ये आ गया हम, ये आ गया नदी के पास स्टेशन। गंगा के उस पार में एक मंदिर है, शाम के टाइम में जाएंगे थोड़ा। एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि यहाँ पर बोला ना आपको, सोहा बाजार के पास जो जितना सारा भगवान का मूर्ति है बनाया जाता है, तो यहाँ पर देखो काम शुरू हो रहा है, मतलब इधर से करता है। भीतर में जाएंगे और भी, ये हो गया गेट, ये हो गया नदी के उस पार, लेकिन इधर का काम बहुत जारी है। जितना भी सब काट का काम है दिख रहा है, सब स्टैचू बना हुआ है, इधर भी सब बहुत सारा मस्त लग रहा है। सारा कबूतर, बहुत सारे लोग इधर भी मतलब दाना भी डालते हैं खाने के लिए। देखो मैं पास जा रहा धीरे धीरे, वाह मजा आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा ये लोग मतलब इतना मतलब डरता नहीं है लोगों से, क्योंकि बहुत नज़दीक भी जाओ नहीं उड़ेगा। आह ये डरता नहीं।